हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए, ये फ़िश फ्राई कर रहे हैं। स्मॉल बचवा फ़िश है ये वाला, और ये इचना फ़िश है। ये इचना भी आज बहुत अच्छा मिल गया मुझे, आज मैंने ये दोनों लेके आए हैं। और एक अलग से मेरे यहाँ मटन भी बन रहा है, उसका रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। आज हम इसका वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए। अब सबसे पहले हम इसमें नमक दे देते हैं स्वाद अनुसार दोनों में। इसमें अब हल्दी पाउडर डाल देंगे, दोनों में हल्दी पाउडर डाल देते हैं। बहुत लोग बस हल्दी और नमक देके ही फ्राई कर लेते हैं, हम लोग को फ्राई खाना है इसलिए डाल रहे हैं। ये लाल मिर्च है, ये कश्मीरी लाल मिर्च, और इसमें हम जीरा पाउडर डालेंगे, मरीच पाउडर। सारे मसाले डाल के फ्राई करने के बाद खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए हम लोग फ्राई में ऐसे देते हैं। ये लहसुन, इसमें भी लहसुन डाल देते हैं। ये इलायची पिसा हुआ है, आप लोग ऐसे फ्राई करके ज़रूर खाइएगा, बहुत अच्छा लगता है टेस्टी। उसे अच्छा मिक्स करके उसके बाद हम लोग फ्राई करेंगे। ये फ्राई पैन को गर्म होने के लिए रख दिए हैं, इसमें अब मछली फ्राई करेंगे। ये गर्म हो चुका है, अब इसमें हम तेल डाल देते हैं, उसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं तेल को। तेल भी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम इचना मछली डालेंगे फ्राई करने के लिए। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुका है ये इचना मछली। अब डाल देते हैं अच्छे से, धीरे से डालेंगे मीडियम फ्लेम पे। सो हल्का सा साइड साइड कर देंगे ताकि सारे एक साथ अच्छे से ब्राउन हो जाए। ये देख सकते हैं ये वाइट वाइट हो चुका है, इसका मतलब पीछे में अच्छे से हो चुका है फ्राई, देख सकते हैं। इसे पलट देते हैं, अभी ज़्यादा नहीं हुआ है लाल, इसे बहुत अच्छे से जैसे देख सकते हैं ये वाला ऐसे ही ब्राउन करना है। उसको ऐसा करके ऐसे दूसरे साइड कर देते हैं। मुझे इचना मछली बहुत पसंद है, आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके आप लोग को कैसा लगता है। मिक्स कर लेते हैं, ये देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डाल देते हैं मछली को। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अब चलिए दूसरी साइड देख लेते हैं फ्राई हुआ है या नहीं। अच्छे से ऐसे करके पलट लेंगे सारे मछली, देख सकते हैं सारा मछली उस साइड से हो चुका है फ्राई। इसको मैं दूसरी साइड पलट दी हूँ और देख सकते हैं साइड से ब्राउन हो गया, अब उस साइड से भी अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। ये देख सकते हैं दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गया है ये वाला फिश, अब इसे हम निकाल लेंगे। देख सकते हैं अच्छे से ब्राउन हो गया है,